मैं हूं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत। सभी विद्यार्थियों का NIOS स्टूडियो में स्वागत है। आज हम 509 DLED कोर्स के अंदर पैडागॉजी ऑफ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चर्चा करेंगे बहुत ही प्रमुख विषय पर, जो है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ। सबसे पहले हम बात करें कि राष्ट्रीय एकता से हम क्या समझते हैं, हमारा क्या अर्थ है जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में हम की भावना का होना। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र का मुख्य तत्व होता है, इसके बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय एकता की भावना से अभिप्राय है एकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी आदि। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि यह मेरा राष्ट्र है, मुझसे ऊपर मेरा राष्ट्र है और राष्ट्र के प्रति ही मेरी वफादारी, मेरी जो है व्यक्तित्व का परिचायक है, जब हम किसी व्यक्ति के अंदर ये सब देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता है। तो हम समझते हैं राष्ट्रीय एकता का अर्थ। अब देखें कि अलग अलग समय पर दार्शनिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने राष्ट्रीय एकता को कैसे परिभाषित किया है, हम इसमें एक दो मुख्य व्यक्तियों की बात करेंगे। सबसे पहले डोरोथी थॉमसन की बात करें तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। अर्थात अगर इसको हम और समझने का प्रयत्न करें तो डोरोथी जी ने बताया कि जब हम देखते हैं कि एक ऐसी भावना जिसके आधार पर सभी नागरिक इकट्ठे होते हैं, संगठित रूप से मिलकर कार्य करते हैं, उससे हम समझते हैं कि उन सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता की भावना है। इसी प्रकार से 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हृदय में एकता, घनिष्ठता, सन्निकटता, सामान्य नागरिकता एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना विकसित की जाती है। अर्थात जब व्यक्ति ऐसा महसूस करें, ऐसा अनुभव करें कि हम एक दूसरे के निकट हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी हैं, एक दूसरे के सुख के लिए हम इच्छा कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि इन व्यक्तियों में सभी में राष्ट्रीय एकता की भावना है। अब अगर हम राष्ट्रीय एकता को और समझें या हम इसके बारे में, इसके बाधाएं और शिक्षा के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आप सब विद्यार्थियों से चर्चा करना चाहूँगी कि कौन कौन से आयाम हैं जिस पर हम राष्ट्रीय एकता के मुद्दे की चर्चा करते हैं। पहला तो है सामाजिक आयाम, अर्थात सहनशीलता, सहयोग, लोकतंत्र में विश्वास एवं स्वार्थहीनता जैसी योग्यताओं का होना आवश्यक है। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में सहनशीलता या स्वार्थहीनता जैसी भावना है तो इसका मतलब वो हमेशा राष्ट्रीय हित को अपने हित से ऊपर रखता है, तो वो हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है। जब लोगों में सामाजिक संवेदना है, सामाजिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे के दुख में दुखी हो रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सभी का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, बहुत पहले से हम ये बात सुनते आए हैं। इसका मतलब ऐसा एक हमारे अंदर एक दर्शन जो है पहले से ही हो, हम हमेशा ऐसा सुनते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी हमने ये इच्छा करनी है, इसके लिए ये प्रयत्न करना है कि सभी व्यक्ति सुखी हों। तो जब हमारे अंदर सामाजिक संवेदना होगी, हम अपने विद्यार्थियों में संवेदना ऐसी भर सकेंगे, कूट कूट कर ऐसा भाव भर सकेंगे, तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है, समाज से जातिवादी जैसी बुराइयों का अंत हो। जब सामाजिक आयाम हमें देखना है कि समाज में जो जातिवाद जैसी कुरीतियां फैली हुई हैं उन बुराइयों का अंत हो। दूसरी बात है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम का अर्थ है आर्थिक असमानताएं और वर्ग भेद को दूर करके लोगों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। हम देखते हैं क्या हो रहा है कि अमीर तो अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, तो जो दोनों वर्ग हैं उनके बीच में जो खाई है और भी चौड़ी होती जा रही है, उनका भेद बढ़ता जा रहा है, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, उसका परिणाम क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर उन्नत कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जब हम इन असमानताओं को मिटाएंगे, वर्ग भेद को दूर करेंगे और मनुष्य जाति से सभी से प्रेम करेंगे, हमारा क्या धर्म है कि हम सब मानव धर्म को अपने धर्म को ही सर्वोपरि माना जाए,
तो इस आर्थिक आयाम पर जब हम सोचेंगे और जब हम संघर्षरत होंगे और ऐसा कार्य करेंगे तो हमारा जो देश है वो एक रहेगा। भाषाई आयाम की बात करें, इसका अर्थ हुआ विभिन्न भाषाओं की जानकारी, उनका सम्मान करते हुए एक दूसरे के हित का ध्यान रखना एवं भाषा के मुद्दे पर आपसी मतभेद ना रखना। हम देखते हैं कि कभी हम हिंदी सम्मेलन में बात करते हैं तो हम आंगल भाषा की बुराई करते हैं, जबकि सी राजगोपालाचारी ने बहुत पहले ही कह दिया था जब संविधान हमारा बन रहा था कि हमें जो है कि किसी भी भाषा से हमें नफरत नहीं करनी है। अगर हम त्रिभाषा जो मुद्दा है उसको नहीं अपनाएंगे, फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगे तो हम सभी देशों के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो हमें भाषा के मुद्दे पर नहीं लड़ना है, सभी भाषाओं का बराबर सम्मान करना है। फिर अगर हम बात करें सांस्कृतिक आयाम, इसका अर्थ हुआ सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए सद्भावना से रहना। जैसे कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी मजहब है, कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि हम आपस में लड़ें। चाहे हम कुरान पढ़ें, चाहे हम बाइबल पढ़ें, चाहे हम गीता पढ़ें, कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ है किसी भी धर्म का, वो हमें नहीं बताता कि हमें दूसरी संस्कृति का सम्मान ना करें या हम दूसरे से लड़ें। किसी भी भाषा में पढ़ें, कोई भी उनका जो है उपनिषद पढ़ें या जो भी हम उनका ग्रंथ पढ़ें, सभी ग्रंथों में लिखा है कि सभी मानव हैं, सभी को हमें प्रेम करना है। तो सांस्कृतिक आयाम है, जब हम दूसरी संस्कृति का सम्मान करेंगे तभी सबका उत्थान होगा। भावनात्मक आयाम जो है वो राष्ट्र एकता का एक प्रमुख आयाम है, इसका अर्थ है मस्तिष्क एवं हृदय का एकीकरण। बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रक्रिया का एकीकरण आवश्यक है। मित्रों, जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी भी भाषा, जाति एवं धर्म आदि का सम्मान करता है तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अर्थात अगर हम जोर जबरदस्ती से केवल किताबों के माध्यम से, केवल पुस्तकों के माध्यम से हम विद्यार्थियों को ये कहलाना चाहें कि नहीं सभी धर्म समान हैं तो ये संभव नहीं होगा। हमें उनके हृदय को परिवर्तन करना होगा, हमें उनकी सोच को परिवर्तित करना होगा। जब विद्यार्थियों का मस्तिष्क एवं हृदय दोनों एकीकरण में कार्य करेंगे तो हम उनको ये सिखा सकते हैं भावनात्मक रूप से कि कोई भाषा हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सभी का सम्मान करना है। हम सभी इसी राष्ट्र के अंदर रहते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अब जब हमने विभिन्न आयामों की बात की तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना चाह रहे हैं उस राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। मित्रों, सबसे पहली बात तो हमारे सामने आती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण ना हो तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखनी पड़ेगी, एक रहना होगा। जब विदेशियों ने यहाँ पर हमला किया तो उन्होंने अपनी कूटनीति को अपनाया और उसका एक प्रमुख कारण, सर्वोपरि कारण यही था कि आपसी राजाओं में फूट पड़ गई थी। जब हम आपस में लड़ते हैं तो क्या होगा, बाहरी ताकतें उसका लाभ उठाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बाहरी आक्रमण ना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे तो हम सबको प्रांत के मुद्दों पर, भाषा के मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर नहीं लड़ना होगा, एकजुट होकर रहना होगा। राष्ट्रीय विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सब चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, हम केवल ये सोचें कि हम भारतीय हैं तो हम राष्ट्रीय विकास के लिए उन्नतशील रहेंगे और इससे क्या होगा, समाज में शांति स्थापित भी रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में राष्ट्रीय बनी में शांति बनी रहे तो शांति स्थापित करने के लिए हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखना होगा। प्रजातंत्र को सफल बनाना है, अगर प्रजातंत्र को सफल बनाना होगा तो सारे राष्ट्र को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और प्रारंभ से ही घर से भी और विद्यालय से भी, जब उसकी नींव पड़ रही है प्राथमिक शिक्षा से, बुनियादी शिक्षा से, वहीं से हमें बताना होगा बच्चों को कि बच्चों हम सब एक हैं, हमें एक मिलकर रहना है। अब हम बात करते हैं कि बाहरी हमलों का अगर डर नहीं रहे तो इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज बाहरी जो ताकते हैं, जो वो हैं, सब परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, तो अगर हम सब एकजुट होकर रहेंगे तो हमें बाहरी हमलों का डर नहीं रहेगा। आर्थिक उन्नति के लिए हमें
चाहे वो तकनीकी है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे सांस्कृतिक है, कोई भी क्षेत्र है, हमें आर्थिक उन्नति तो बनाए रखनी पड़ेगी। तो आर्थिक उन्नति के लिए भी अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे और एक जाति को दूसरे जाति से आगे निकलने की होड़ में लगे रहेंगे कि ये मेरी जाति का नहीं है, ये मुझसे आगे ना निकले, इस तरह हम अंधाधुंध ऐसी भीड़ में यूँ चलते रहेंगे तो हम आर्थिक उन्नति कैसे कर पाएंगे दोस्तों? नहीं कर पाएंगे। सांस्कृतिक विकास के लिए भी आवश्यक है और विभिन्नता में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम सबको इकट्ठे रहना होगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सी बाधाएं हैं जो मैंने आपसे बात की कि राष्ट्रीय एकता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है और किस प्रकार से इसकी आवश्यकता है। परंतु मित्रों, इसके विद्यार्थियों, इसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे जातिवाद है, प्रांतीयता है, सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, राजनीतिक दल है, आर्थिक विभिन्नता है, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। तो हम जब इसकी बात करें कि दूर कैसे कर सकते हैं, इससे पहले हम बात करेंगे कि ये बाधाएं एक एक करके हम थोड़ा सा संक्षेप में बात करना चाहेंगे। जातिवाद क्या होता है? कहीं भी कोई परीक्षा है या कहीं भी कोई किसी का चुनाव है किसी उम्मीदवार का, तो अगर हम ये देखते हैं, हम ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई ये सोचता है कि ये मेरा जाति का है, इसका चुनाव कर दीजिए, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो, तो क्या होगा? ये काफ़ी होगा दूसरी जाति के लोगों को उस जाति से लड़वाने के लिए। तो हमें इस जातिवाद को देश से दूर करना होगा, क्योंकि जातिवाद हमारी तरक्की में, हमारी उन्नति में, हमारे विकास में, हमारी प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रांतीयता भी एक बाधा है। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे प्रांत का है। वैसे अगर हम एक प्रांत में हैं, हम उस व्यक्ति से भाषा के आधार पर या किसी और आधार पर लड़ रहे हैं, जब दूसरे प्रांत का आता है तो हम कहते हैं नहीं, वो मेरे प्रांत का नहीं है। तो ये संकुचित विचारधारा क्यों? ऐसी संकुचित विचार धारा हमें प्रगति कैसे करने देगी? हम कैसे तरक्की कर पाएंगे और हमारा वैभव कैसे बना रहेगा? तो अगर हम चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक रहें, तो हमें प्रांतीयता जैसी बाधा को दूर करना होगा। सांप्रदायिकता, देखिए जगह जगह पर जाति के नाम पर या एक दूसरे संप्रदाय से, ये मेरे संप्रदाय का है, ये दूसरे संप्रदाय का है, हम लड़ते रहते हैं किस लिए? जब हम एक देश के हैं, हमारा पहला धर्म मानव धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। हमें मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में रखना। तो हमें वतन के बारे में, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, यही हम सुनते आए हैं बचपन से और यही हमारे विद्यार्थियों को हमने विद्यालय में सिखाना है, यही बच्चों को हमने घर में सिखाना है, यही हमें समाज में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं यही भावना अपने बच्चों में भरनी है। फिर हम करते हैं भाषावाद। हम जो दर्जा अपनी मातृभाषा को देते हैं, वो दर्जा हम दूसरी भाषा को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम प्रांत की भाषा के आधार पर आपस में क्यों झमेला करते हैं, क्यों हम आपस में लड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। इससे हम दूसरे देशों के साथ, जो प्रगतिशील या बिल्कुल उन्नत देश हैं, उनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे? फिर क्षेत्रवाद की बात आती है, क्षेत्र के आधार पर लड़ते हैं, एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से चुनाव में लड़ता है, आर्थिक विभिन्नताएं आ जाती हैं, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। हमारे विद्यार्थी चारों तरफ देखते हैं कि जातिवाद के नाम पर या जो है रिश्वतखोरी है, लूट खसोट है, चरित्र का अभाव है, तेरमेर लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, एक दूसरे से आपाधापी लगी हुई है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इस तरह जहाँ भी देखें, बच्चा देख रहा है कि सब तरफ आपाधापी है, लूट खसोट है, तो ऐसे में बच्चों में चरित्र का अभाव बन जाता है। हाँ, अभी कुछ ही समय बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी कि एक अध्यापक जो है किस तरह पाठ्य पुस्तकों के द्वारा और किस तरह अपने भाषण के द्वारा विद्यार्थियों में इस जो राष्ट्रीय चरित्र का अभाव एक बाधा है, इसको हम कैसे दूर करेंगे, हम अपने बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का जो चरित्र है उसका कैसे हम निर्माण करेंगे। हम उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय चरित्र के बाद कि बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि हम सब एकजुट होकर काम करें और हमारी राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा के उद्देश्य भी क्या हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसका नैतिक विकास करना है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी जब बच्चे में नैतिक आधार नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किताबी ज्ञान दे दिया और उसको नैतिक या मूल्यों का विकास नहीं कर पाए, तो वो शिक्षा का उद्देश्य हमने पूरा
पूरा नहीं किया है। अब राष्ट्रीय एकता और पाठ्यक्रम की बात करें तो हमें जो है क्या करना होगा, अपने पाठ्यक्रम को दोबारा से बनाना होगा, निर्मित करना होगा, क्योंकि जो अब वर्तमान में उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तकों में, पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना होगा। साथ ही हमें अपने विद्यार्थियों को ये सिखाना होगा, हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। हम भाषा के द्वारा विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि किस प्रकार हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है। गणित एवं विज्ञान पढ़ाते हुए भी हमें बताना है कि किस प्रकार हम वैज्ञानिक युग में हम तरक्की कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं जब हम मिलकर चलेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के द्वारा हम अपनी पुरातन सभ्यता, पुरानी संस्कृति, जो हम मैं नैतिक मूल्यों की बात कर रही हूँ कि आज बच्चों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता के दौर में लग पड़े हैं, तो वो जो मूल्य हैं जिनका हम देखते हैं ह्रास हो रहा है वो हमें अपने इस जो है सामाजिक विज्ञान के द्वारा भरना होगा, जो कि हमारा विषय है जिसके अंतर्गत हम इस इकाई की चर्चा कर रहे हैं। तो इस विषय का बड़ा ही लाभ है जब हम इसकी पाठ्य पुस्तकों या आख्यान के द्वारा हम विद्यार्थियों को बता सकें। फिर कला और संगीत, जैसे संगीत की बात करें तो हम जो है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को जो है देशभक्ति की कविताएं या गीत के द्वारा हम उनको सिखा सकते हैं कि किस प्रकार हमें राष्ट्रीय एकता की बात करनी है, कलाकृतियों के द्वारा भी सिखा सकते हैं। अब शिक्षण विधियों को भी बदलना होगा, पाठ्य पुस्तकों का भी पुनः संगठन करना होगा, पाठ्य सहकामी क्रियाएं आयोजित करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कभी तो प्रातःकालीन सभा कर सकते हैं, कभी हम बहुत सारे अलग अलग धर्मों के त्यौहार मना सकते हैं और महान व्यक्तियों के जो जन्मदिन हैं, जयंती हैं, उनका आयोजन कर सकते हैं, कभी हम लेखन प्रतियोगिता कर सकते हैं, इस तरह अलग अलग सहगामी क्रियाओं द्वारा, कभी हम स्वच्छता अभियान जो हमारी सरकार आजकल प्रोग्राम चला रही है उसमें हम बच्चों को स्वयंसेवी के रूप में लेके जाएं और बच्चे सफाई करना सीखें और खेल खेल में राष्ट्रीय एकता के बारे में सीखें। कुछ और सुझाव हैं, कोठारी आयोग के अनुसार बताया गया कि हमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जिससे जो कमज़ोर वर्ग है उनके बच्चे भी पढ़ सकें, विद्यार्थियों को जो अच्छे हैं पढ़ाई में उनकी सहायता की जाए, उनको सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियां दी जाएं, जो ऐसे विद्यार्थी हैं दूर दराज से आते हैं रेल एवं बस के किराए में छूट दी जाए, विकलांग बालकों की विशेष व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय एकता समिति ने भी सुझाव दिए कि जैसे लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व में विश्वास अभिव्यक्त किया जाए, शिक्षा को पुनः संगठित किया जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए, सामान्य विद्यालय प्रणाली की व्यवस्था हो, कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं हों और अंतः विश्वविद्यालय कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने समझा कि राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है और राष्ट्रीय एकता में कौन सी बाधाएं हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा का जो दूसरा आयाम है अंतर्राष्ट्रीय समझ, इसके बारे में भी हम बात कर सकेंगे, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि हमें बालकों की संकुचित विचारधारा को दूर करना है। जब हम अगर बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो हम अंतर्राष्ट्रीय समझ के अंतर्गत बताएंगे कि हमें बच्चों को वैश्विक नागरिकता के लिए तैयार करने हैं। वसुधैव कुटुंब का अर्थ है सभी मानव एक ही संसार रूपी परिवार के सदस्य हैं। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं वसुधैव कुटुंब, वसुधैव यानी जो सारी धरती है, सारी धरा है, ये हमारा एक परिवार है। इसका अर्थ है सभी राष्ट्र के लोगों में परस्पर प्रेम हो। अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता क्या है, हम की भावना का विकास हो। हम ये जानते हैं कि तकनीकी ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक राष्ट्र में जो घटना होती है वो दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव डालती है, और जो जैसे कि यातायात के साधन हैं वो उनकी वजह से क्या हुआ है, सभी देश समीप आ गए हैं। आज कितनी जल्दी हवाई जहाज के द्वारा हम एक स्थान से, एक देश से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं। यातायात के साधनों की सुविधा के कारण संसार की समीपता बढ़ गई है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मसंपन्न नहीं है, एक को दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। आपसी प्रेम और विश्वास ही राष्ट्रों के मध्य शांति और सद्भावना विकसित कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था, अकेले होने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ में बहुत सारी बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, धार्मिक बाधाएं, भाषाई बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, शैक्षिक बाधाएं, इन सबको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा।
सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा। बच्चों को जहां राष्ट्रीय एकता की बात बता रहे हैं, वहां उनकी संकुचित विचारधारा से दूर ले जाना होगा, उनकी सोच को व्यापक बनाना होगा। इसके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा। हमें अपने शिक्षण अधिगम को इस प्रकार से नियोजित करना होगा कि सभी बालक पूरे संसार को एक दृष्टि से देखें। विद्यालय में ऐसी व्यवस्था हो कि बालक सही और गलत की पहचान कर सके। बालकों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। देखिए, संकुचित देशभक्ति की अपेक्षा वैश्विक नागरिकता पर बल दिया जाए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जागरूकता पर बल दिया जाए, पाठ्यक्रम में बदलाव हो, लोगों को परस्पर निर्भरता का अनुमान लगाना सिखाएं, वे ऐसा कौशल सीख सकें कि संसार को रहने के लायक सुंदर स्थान बना सकें, जो द्वंद्व है उसको सहयोग में परिवर्तित किया जाए, इतिहास विषय के द्वारा शिक्षा दी जाए, भूगोल विषय के द्वारा दी जाए। इतिहास वातावरण को प्रभावित करता है, जिसका हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नागरिक शास्त्र विषय के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से तकनीकी परिस्थितियां पारिवारिक प्रणाली के बारे में जानकर सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण समझ सकेंगे। आधुनिक सभ्यता के मिले जुले प्रयत्न एवं सहयोग से ये संभव हो पाया है। विज्ञान के द्वारा बताएंगे कि गैलीलियो, कॉपरनिक, न्यूटन आदि ने किसी एक देश की उन्नति के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए योगदान दिया। दार्शनिक शास्त्र विषय के द्वारा भी बताएंगे, विद्यार्थियों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए। मनोविज्ञान विषय के द्वारा भी यही आचरण उसे पूरे विश्व के व्यक्तियों के लिए रखना चाहिए। संगीत के द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना का पाठ पढ़ाया जाए। अध्यापक की भूमिका भी है कि एक मुक्त और खुले विचारों वाला अध्यापक ज्ञान और गहन समझ के द्वारा बालकों को समझा सकता है। जाति, धर्म और के आधार पर मानव जाति को विभाजित नहीं किया जा सकता। अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों में भाव भर सकता है। संसार एक इकाई है और हमारा देश इसका एक भाग है। इस प्रकार संसार एक परिवार है, यह भाव बालकों में उत्पन्न किया जा सकता है। तो मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस चर्चा से हम ये जान पाए हैं कि पहले तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, उसका क्या भाव है, उसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, और पाठ्यक्रम के द्वारा एक मुक्त और खुले विचारों वाला अध्यापक ज्ञान और गहन समझ के द्वारा बालकों को समझा सकता है कि जाति, धर्म और वंश के आधार पर मानव जाति को विभाजित नहीं किया जा सकता। अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों में भाव भर सकता है। संसार एक इकाई है और हमारा देश इसका एक भाग है। इस प्रकार संसार एक परिवार है, यह भाव बालकों में उत्पन्न किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि पहले तो हमने आपसे चर्चा की कि राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है, उसकी क्या आवश्यकता है, और उसके मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, और शिक्षा के द्वारा एक अध्यापक पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा और अपने आख्यान के द्वारा किस प्रकार विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता का प्रेम भर सकता है। और साथ ही फिर हमने ये भी चर्चा की कि बालकों में हमें संकुचित विचारधारा नहीं उत्पन्न करनी है, उनको ये सिखाना है कि वसुधैव कुटुंब का नारा है जिसको हमने कि समझना है, सारा संसार एक परिवार है। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ आप सब समझ गए हैं कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ की कितनी आवश्यकता है। धन्यवाद।